हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, आर वन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ब्रेड से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही मजेदार लगता है। जब आपको कुछ क्रिस्पी और कुरकुरा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक पैन में डाल देते हैं 1 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच राई और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से फूटने लगी है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच सौंफ, साथ ही में डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। थोड़ी देर के लिए हम चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो मिर्ची के अंदर का कच्चापन है वो चला जाए। आप यहाँ मिर्ची की मात्रा को बड़ा घटा सकते हैं, जितना आपके घर में तीखा खाना पसंद करते हैं। और मिर्ची भी अच्छे से पक गई है, इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज को भी मैंने चलाते हुए पका लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे मटर, ये ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर 1/3 कप मटर ली थी, जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। यदि आपके पास हो तो आप इसका यूज़ करिए, नहीं तो इसके बिना भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम मटर को भी चलाते हुए पका लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गई है, इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, 1/3 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मसालों को भी हम चलाते हुए पकाएंगे। अब मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, इसमें हम डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 उबला हुआ आलू। अच्छे से मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। आलू को इस तरह से चम्मच से मैश कर देंगे ताकि इसके अंदर जो बड़े टुकड़े हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो मैंने 1 मिनट के लिए इसे चलाते हुए पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अच्छे से मिला देंगे और अब इस आलू के मसालों को हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया है, तो इस मैदे का हम घोल बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और पहले हम थिक बैटर बनाएंगे। यदि हम एक साथ ढेर सारा पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। ये घोल हमें ब्रेड पॉकेट को चिपकाने के लिए हेल्प करेगा। ये घोल एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँगी कि घोल आपको कितना पतला या गाढ़ा रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का घोल होना चाहिए, ये देखिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। और इतना घोल लगाने के लिए मुझे 1/4 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। यदि बाय चांस घोल पतला हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर घोल की कंसिस्टेंसी को बराबर कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड की स्लाइस ली है, तो इसमें से हम 1 ब्रेड की स्लाइस लेंगे। तो इसके किनारों को हम कट करेंगे इस तरह से। इस रेसिपी को बनाने के लिए इसके साइड के एचेस को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ब्रेड के साइड्स के किनारों को निकाल दिया है। इस किनारों को आप फेंकिए नहीं, इसको आप सुखा कर मिक्सर जार में पीस लीजिए और उसका ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। और जब भी आप कोई सी रेसिपी बनाएं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम इस ब्रेड को बेलेंगे, तो इस तरह से हम बेलन की सहायता से बेलेंगे। यदि आपको ब्रेड को बेलने में प्रॉब्लम आए तो आप उस पर थोड़ा सा पानी छीट लीजिए। यदि ब्रेड 1 या 2 दिन पुरानी होती है तो उसे बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और यदि फ्रेश ब्रेड रहेगी तो वो ईजिली से बेल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये ईजिली से बेल गई है। तो इसी तरह से हम सारी ब्रेड को कट करके बेल के रख लेंगे। ये ब्रेड पॉकेट बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। घर में जब भी कुछ अलग या डिफरेंट नाश्ता खाने की डिमांड हो तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ पर सारी ब्रेड को बेल के रख लिया है। अब जो ये आलू का मसाला है ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इस तरह से बेली हुई 1 ब्रेड की स्लाइस लेंगे, जो हमने आलू का मसाला बनाया है उसे हम इसके अंदर इस तरह से फिल करेंगे। और अब हम इसके किनारे पर मैदे का घोल लगा देंगे, जो मैदे का घोल हमने लगा के रखा था इस तरह से। मैदे का घोल लगाने से ये इजली से चिपक जाती है और खुलते नहीं है। और अब हम इसे उठाकर इस तरह से क्लोज कर देंगे और चारों साइड से अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से हम पॉकेट बना लेंगे, कितना बढ़िया पॉकेट बना है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं आपको एक और बनाना बताती हूँ। इस तरह से हम बेली हुई ब्रेड की स्लाइस लेंगे, इस तरह से आलू के मसाले को हम इसमें फिल करेंगे और चारों किनारे पर हम इस तरह से मैदे का घोल लगा देंगे।
और इस तरह से उठाकर इसे हम क्लोज कर देंगे। ध्यान रहे स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए, स्टफिंग को अच्छी तरह से अंदर रखें और फिर इसे इस तरह से क्लोज करें। बिल्कुल हल्के हल्के टाइट हाथों से क्लोज करें, ज़्यादा टाइट हाथों से आप इसे दबाएंगे तो जो ब्रेड है वो फट जाएगी। तो देखिए दूसरा पॉकेट भी रेडी है, इसी तरह से हम सारे पॉकेट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे पॉकेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन पॉकेट को शेलो फ्राई करेंगे। तो शेलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल डाला है, तो तेल को हम गर्म होने देते हैं। आज मैं इन पॉकेट को तड़के में शेलो फ्राई करने वाली हूँ, तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 चम्मच राई और इसे हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से चटकने लगी है। इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम पूरे तड़के को पैन में फैला देंगे। अब जो हमने पॉकेट बना के रखे हैं उस पॉकेट को हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से तड़के में पॉकेट को शेलो फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इन पॉकेट का टेस्ट दुगना हो जाता है। आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो इस तरह से तड़के के अंदर ही इन्हें शेलो फ्राई करें। अब इन्हें हम एक साइड से अच्छी तरह से शेलो फ्राई होने देंगे। अभी हल्के से शेलो फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम पलट देंगे। इन्हें शेलो फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये जल्दी से शेलो फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से पलट पलट कर शेलो फ्राई कर लिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए कितने टेस्टी और यम्मी ये ब्रेड पोटैटो पॉकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। यकीन मानिए जब आप इसे बनाकर खिलाओगे तो आपके घर वाले तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और इस तरह की रेसिपी देखने के लिए आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे अब नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।